हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.5 को। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा विच इज़ ग्रेटर, इन दोनों में से बताना कंपेयर करके कौन हमारी बड़ा है। देखो 0.5 है और ये 0.05 है। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2, इसमें कितना दे रखा 1। देखो आप किसी भी नंबर के पीछे डेसिमल के बाद में 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेसिमल के बाद में, डेसिमल से पहले नहीं क्या, हमें कोई नंबर है उसके पीछे जितनी मर्जी 0 लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये डेसिमल 50 है, ये 05 है, तो डेफिनेटली हमारा 50 ही बड़ा होगा 05 के मुकाबले में। ठीक, सेकंड पार्ट देखो 0.7, 0.5 डेसिमल बाद में एक नंबर है, एक नंबर है, यहाँ 7 या 5 है, बड़ा कौन होगा, 7 होगा। तो मुँह इस तरफ कर दिया कि ये नंबर हमारा बड़ा और ये छोटा है। तीसरा पार्ट 7 और 0.7, देखो जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता तो उसके आखिरी में डेसिमल डेफिनेटली होता है। पहले इनके फर्स्ट नंबर को कंपैरिजन किया जाता है, देन डेसिमल के बाद के नंबर को कंपैरिजन किया जाता है। इनमें ऑलरेडी 0 0 था तो यहाँ से पता नहीं लगा, तो डेसिमल के पीछे नंबर को कंपैरिजन किया। यहाँ पर डेसिमल की शुरुआत के नंबर 7 और 0 है, तो यहीं से पता लग रहा है 7 बड़ा होगा, 0 छोटा होगा। तो मुँह इस तरफ कर दिया कि ये नंबर बड़ा और ये छोटा है। फोर्थ पार्ट 1.37, 1.49। ठीक, अब डिस्कस करें, देखो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग के नंबर कंपैरिजन किया, 1 1 दोनों सेम है, पता नहीं लगा। फिर डेसिमल बाद 3 7 4 9, तो 4 9 बड़ा होगा, तो मुँह इस तरफ कर दिया। पाँचवा पार्ट 2.03, यहाँ 2.30, डेसिमल बाद का पहला नंबर सेम है, फिर 0 3 है, 3 0 है, तो 3 0 बड़ा होगा, तो मुँह इस तरफ कर दिया। सिक्स पार्ट देखो 0.8 एंड 0.88, डेसिमल बाद 2 नंबर है, यहाँ पर नंबर नहीं है तो क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। यहाँ का नंबर तो सेम है, पता नहीं लग रहा, तो यहाँ 80, यहाँ 88 है, तो बड़ा कौन होगा, 88 होगा, तो मुझ तरफ कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया एक्सप्रेस या रुपी यूजिंग द डेसिमल, डेसिमल का यूज़ करते हुए इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ मैं आपको, रुपीज़ एंड पैसे। ठीक है, रुपीज़ ऑलवेज बड़ा होता है, पैसे छोटे होते हैं। ठीक है, अगर हम रुपीज़ को कन्वर्ट करते हैं पैसों के अंदर, रुपीज़ को कन्वर्ट करते हैं पैसों के अंदर, तो हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई में 100, और पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। क्लियर, इस लॉजिक का यूज़ करते हुए हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखो ज़रा मैं इनके फॉर्मूले भी लिख देता हूँ। 1 पैसा इक्वल होगा, पैसों को किसमें कन्वर्ट करना, रुपीज़ में, तो मैंने क्या बोला, डिवाइड बाय 100। अब डिवाइड बाय 100 क्या लेंगे, 1/100 लिख देंगे, 1/100 रुपीज़। ठीक है, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में 100 को लिख दिया तो इसका मतलब डिवाइड में है ये। और अगर हमें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना होता तो क्या लिखते हैं, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, यानी कि इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है, कैसे, डिवाइड बाय 100 है, इधर जाकर इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 पैसे बराबर आ गए 1 रुपीज़ के। हमें यहाँ से यहाँ जाना है पैसे से रुपीज़ में, इसीलिए इस वाले फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे। तो ज़रा पहला पार्ट देखो इसका, क्या दे रखा हमें, 7 पैसे। सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद जाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 पैसा इक्वल होगा 1/100 रुपीज़ की, तो 7 पैसे बराबर होंगे, 1 को जगह क्या रख देंगे, 7 को रख देंगे, या फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ही आएगा, 2 0 है, डेसिमल 2 नंबर इधर जाएगा, डिवाइड करते हैं हर 0 टर्म का, तो डेसिमल हमारा जो होता है 2 0 है, तो 2 नंबर आगे चला जाएगा, एक ही नंबर दे रखा, दूसरा क्या मानेंगे, 0, तो 0.07 रुपीज़। ठीक है, हमारा आंसर ये हो जाएगा 0.07 रुपीज़। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 7 रुपी और 7 पैसे। देखो ये तो ऑलरेडी पहले ही रुपीज़ में है, कन्वर्ट तो हमें इसे करना है पैसे को। सबसे पहले लिखेंगे 1 पैसा इक्वल होगा 1/100 रुपीज़ के, तो 7 पैसे बराबर होंगे, 7 में डिवाइड देंगे 100 का, जैसे हमने वाला पार्ट करा, 2 0 है, जैसे हम 2 नंबर आगे जाएगा, तो यहाँ के 0.07 रुपीज़। ठीक है, अब ये भी रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में, दोनों को कर देंगे प्लस, 7 रुपी प्लस में 0.07 रुपी। अब इनको ऐड कैसे करना है, ध्यान से देखो, इसमें डेसिमल नहीं है, जिसमें डेसिमल नहीं होगा उसके आखिरी में डेसिमल होता है, हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखना है, ऊपर कुछ नहीं, 0 7 0 7, आंसर हो जाएगा 7.07 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे इसका तीसरा पार्ट।
तीसरे पार्ट में दे रखा है 77 रुपीज़ एंड 77 पैसे, ये तो ऑलरेडी रुपीज़ में कन्वर्ट, तो सिर्फ इसे करना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज़, ठीक। तो 77 पैसे बराबर होंगे 77 में डिवाइड दे देंगे 100 का, क्यों 77 की जगह 1 से मल्टीप्लाई किया 77, 2 0 डेसिमल 2 नंबर इधर चला जाएगा, 0.77 रुपीज़ ये आ गया, ठीक। अब 77 रुपीज़ प्लस में 0.77, आगे कुछ नहीं, 0 लगा सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है, प्लस करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, जैसे मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, 77 लिखा, डेसिमल नहीं तो उसके आखिरी में होगा, तो यहाँ लिखेंगे 0.77, डेसिमल बिल्कुल सीध में होना चाहिए, ऊपर कुछ नहीं, 0 मान लो, 777, आंसर हो जाएगा हमारा 77.77 रुपीज़, ठीक। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है 50 पैसे, ठीक है। हमने पहला पार्ट किया था सेम टू सेम उसी लॉजिक के हिसाब से करना है, 1 पैसा इक्वल होगा 1/100 रुपीज़ के, तो 50 पैसे बराबर होंगे, 50 में डिवाइड देंगे 100 का, 2 0 है, डेसिमल 2 नंबर इधर जाएगा, 0.50 रुपीज़, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ पार्ट भी इसी तरीके से करना है, क्या दे रखा है 235 पैसे, तो 1 पैसा इक्वल होगा 1/100 रुपीज़ के, तो 235 पैसे बराबर होंगे, 235 में डिवाइड दे दो 100 का, ठीक। कितनी ज़ीरो हैं, 2 0, तो डेसिमल 2 नंबर इधर चला जाएगा, 2.35 रुपीज़, क्लियर। सारे क्वेश्चनों को डेसिमल का यूज़ करते हैं, मैंने रुपीज़ में रिप्रेजेंट कर दिया। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला गया है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करो। नीचे वाले में 35 मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में, फिर मीटर में, फिर किलोमीटर में। तो देखो, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मिलीमीटर, इसके बाद आता है सेंटीमीटर, इसके बाद आता है मीटर, और देन फाइनली आता है किलोमीटर। अगर हमें मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो डिवाइड बाय 10 करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अगर सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना है तो डिवाइड बाय 100 का कर देंगे। मीटर को जाना है किलोमीटर में लेके, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो अगर मीटर को किलोमीटर में लेके जाना है तो डिवाइड कर देंगे 1000 का, ठीक है। वहीं पे अगर उल्टा करना हो तो किलोमीटर को मीटर में आना हो तो मल्टीप्लाई 1000 कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में आना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में आना हो तो मल्टीप्लाई 10। इन शॉर्ट में अगर हम छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो डिवाइड करते जाना, क्योंकि सबसे छोटा ये मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर होता है, मीटर से बड़ा किलोमीटर होता है, तब तो हमें डिवाइड डिवाइड करते जाना है। बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई 1000, मीटर से सेंटीमीटर आना मल्टीप्लाई 100, सेंटीमीटर से मिलीमीटर आना तो मल्टीप्लाई 10। तो फिलहाल हमें यहाँ पे छोटे से कहाँ जाना, बड़े की ओर जाना है। तो चलो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की। पहला पार्ट देखो, यहाँ दे रखा 5 सेंटीमीटर, पहले किस में लेके जाना है, मीटर में लेके जाना है, यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाना क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 100, 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 के, तो 5 सेंटीमीटर बराबर होगा 5 डिवाइड बाय 100, क्लियर। 2 0 मेरी, तो डेसिमल 2 नंबर इधर जाएगा, जिसमें डेसिमल नहीं होता उसके आखिरी में होता है, ठीक। 2 नंबर है तो 2 नंबर इधर जाएगा, दूसरा नंबर नहीं है तो 0 लगा लिया, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 0.05 मीटर, जो पहले सेंटीमीटर में था किस में आ गया, मीटर में आ गया। मीटर को कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर में, मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो क्या करना होगा, डिवाइड बाय 1000, तो 1 मीटर बराबर होगा 1/1000 किलोमीटर के, क्लियर। हमें दे रखा है 0.05 मीटर, तो 0.05 में डिवाइड देंगे 1000 का, तो डेसिमल जाएगा 3 नंबर इधर, क्योंकि नीचे कितने ज़ीरो हैं, 3 0, 1 0 दे रखे हमें तो 2 और 3, 2 और लगा लो, कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 0, डेसिमल 3 नंबर इधर चला जाएगा, यानी कि 0.000, 3 तो ये होगी, चौथी ये और 5, ये आंसर हो गया किलोमीटर में, आगे 0 लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 5, जो हमारा आंसर सेंटीमीटर में था फाइनली किस में पहुंच गया, किलोमीटर में आ गया। ये हमारा पार्ट नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में दे रखा है 35 mm को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में, तो
चलो शुरुआत करते हैं इनकी। 35 mm को चेंज करना पहले सेंटीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? देखो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10, टेन लिख दिया, डिवाइड बाय यानी कि 1/10 लिख दिया। 35 मिलीमीटर बराबर होंगे, 35 की जगह 1 की जगह 35 रख दिया, 10, 10 है, डेसिमल इधर चला जाता है क्योंकि जिसके आखिर में डेसिमल नहीं होता उसके बिल्कुल आखिर में होता है, यहाँ के 3.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को किस में आना है, मीटर में आना है, तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर होगा, सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो डिवाइड बाय 100, यहाँ लिख दिया मीटर, यहाँ डिवाइड कर दोगे 100 का तो मीटर में पहुँच जाओगे, तो 3.5 सेंटीमीटर बराबर होगा 3.5 डिवाइड बाय 100। डेसिमल दो नंबर इधर चला जाएगा, यहाँ तो एक ही नंबर है, दूसरा क्या लगा लेंगे 0, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 0.035 मीटर। आगे कुछ नहीं, 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन हमारा पहुँच चुका मीटर में, मीटर से किस में जाना है, किलोमीटर में, तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर, मीटर से जाना है किलोमीटर में, क्या करेंगे डिवाइड बाय 1000, तो यहाँ लिखा डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर, 0.035 मीटर, 0.035 में डिवाइड देंगे 1000 का, कितनी 0 है, 3 है, डेसिमल 3 नंबर इधर जाएगा, 1, 2, 3, मेरा डेसिमल यहाँ आ जाएगा 0.00035 किलोमीटर। आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फाइनली हमारा आंसर किसमें आ गया, किलोमीटर में निकल के आ गया, ठीक, 0.00045 किलोमीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।